सभी दोस्तों का वेलकम है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो है पुदीने पे। उससे पहले हम कुछ बात करेंगे। दोस्तों हमारी ये वाली वीडियो है मनी प्लांट की मॉस स्टिक के बारे में। तो ये वीडियो हमारी बहुत वायरल हुई है और वीडियो वायरल होने के साथ साथ इसमें बहुत सारे कमेंट हमसे पूछे गए हैं कि आपने यहाँ का एड्रेस क्यों नहीं दिया और यहाँ का हमें फ़ोन नंबर दीजिए और क्या यहाँ पे ऑनलाइन ये डिलीवरी करते हैं। दोस्तों बता दें यहाँ ऑनलाइन डिलीवरी ये मुश्किल करते होंगे। अभी मैंने इनसे बात नहीं की है, बस मैं वहाँ गया था और मैंने वहाँ की वीडियो बनाई थी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो वहीं फिर जाऊँगा और वीडियो वहाँ बनाऊँगा जिसमें आपको वहाँ का फ़ोन नंबर भी दूँगा और वहाँ के जो ऑनर हैं उनसे बात भी कराऊँगा और वहाँ का एड्रेस भी मिलेगा। पर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और लॉकडाउन चल रहा है, जिस कारण हम अभी बाहर कहीं नहीं जा सकते। अपने घर में आप भी रहिए और हम भी हैं। और आपको समय समय पर मैं अपने बगीचे की अपडेट देते रहता हूँ, जैसे कि मेरा टेरेस गार्डन है और मैंने बहुत सारे अपने घर पे वेजिटेबल्स प्लांट और फ्लावर प्लांट लगा रखे हैं। तो मैं समय समय पर आपको अपडेट देते रहूँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो लाऊं तो उसकी अपडेट मिल जाए और मैं मॉस स्टिक की जो मनी प्लांट है वहाँ की भी मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा तो उसकी भी अपडेट आपको जल्दी मिल जाए। तो ज़्यादा समय ना आपका लेते हुए चलते हैं अपने पुदीने के तरफ, कैसे आप अपने से पुदीना लगा सकते हैं और आप लस्सी में डाल के या किसी चीज़ में डाल के गर्मियों में पुदीने का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा गर्मियों का तोहफा जो कि है पुदीना, इसे मिंट भी कहते हैं। तो दोस्तों और भी कई भाषाओं में इसे बहुत नामों से बुलाते हैं। तो दोस्तों इस पुदीने की आपको खासियत बता देते हैं। तो दोस्तों पेट का कोई भी रोग होता है तो उसमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। बस आपको इसकी 2-3 पत्तियां तोड़नी है और मुंह में चबानी है और फिर गर्म पानी पी लेना है। ये काम अगर आप सुबह करेंगे तो आपको पेट की बीमारियों में बहुत ही आराम मिलेगा। दोस्तों गर्मियों का ठंडक पौधा है ये, आपके पेट को बहुत ही ठंडक पहुंचाएगा। और इसे आप अगर रायता बना रहे हैं, इसकी चटनी बना के सेवन करते तो और भी बहुत अच्छा है। तो आप इसको गमले में लगा सकते हैं, 5 से 10 इंच का गमला इसके लिए बहुत है। अगर आप इसके लिए कोई बड़ा सा गमला लें जा जिससे इसे खूब फैल सके उस पर, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने इसको एक लकड़ी का साँचा ले रखा, उसमें मिट्टी भर के मैंने इसमें पुदीना लगा दिया है। मैं इसका प्लांट नर्सरी से लाया था, तो आप भी इसका प्लांट नर्सरी से ला सकते हैं या आपके आसपास अगर कहीं पुदीना लगाए तो आप उनसे मांग के अपने घर पे लगा लीजिए और आपके घर में बहुत सारा पुदीना तैयार हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आपको बालकनी मिली हुई है तो वहाँ पे भी ये पुदीना बहुत अच्छे से ग्रो होता है। मैंने इसे बालकनी में गमले में 10 इंची के मिट्टी के गमले में लगाया था तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। हर दूसरे तीसरे दिन मैंने इसमें से पुदीना तोड़ के चटनी इसकी बनाई है। तो आप अगर बालकनी में रहते हैं और 2 से 3 घंटे की बस उसे धूप पाती है तो आप ये प्लांट को ज़रूर लगा सकते हैं। और दोस्तों इसको तोड़ना कैसे, आप इस प्लांट को अगर आप लगा ले रहे हैं अपने छत पे तो आपको इसे जड़ से नहीं उखाड़ना है, आपको सिर्फ ऊपर से ऐसे पकड़ना है और इसको तोड़ देना है। देख सकते हैं आपको इसकी जड़ नहीं उखाड़नी है और उसके बाद आप ऐसे ऐसे टहनियाँ उखाड़ तोड़ लीजिए, आप देख सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ से जब आप एक टहनी तोड़ेंगे ऐसे करके तो इसमें से 3-4 और नई नई ब्रांचें निकलेंगी और आपका पुदीना और घना होएगा और आपको और भी ज़्यादा इसकी पत्तियां मिलेंगी। तो आपको इस तरह इस पुदीने को तोड़ना है, आप जड़ों से ना उखाड़े। और आपने अगर एक बार इस पुदीने को अपने गमले में या अपने कहीं पे भी लगा दिया है तो आपको ये सालों साल आपके साथ रहेगा। और इसे हर 15 दिन में आप इसे बर्मी कंपोस्ट देते रहिए तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होएगा और ये ग्रीन रहेगा। और दोस्तों हर रोज़ इसे सुबह आप पानी से नहला दीजिए क्योंकि इसमें कोई बीमारी इंसेक्ट तो नहीं आते हैं, पर इस पर धूल मिट्टी उड़ती है, वो इसके पत्तों पे उड़ती है। तो मैं भी अपने प्लांट को जो है कि रोज़ इसे नहला देता हूँ और सुबह सुबह हमारे घर के जो सदस्य हैं वो इसकी 1 से 2 पत्ती मुँह में चबाते हैं और गर्म पानी पीते हैं। तो आप भी अपने छत पर या अपने बालकनी में ऐसे
पुदीना लगा सकते हैं और गर्मियों का मज़ा लीजिए। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, कोई जानकारी आपको इसमें मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। कुछ कहना हो तो कमेंट आपके लिए खाली पड़ा हुआ है। और दोस्तों मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हो, पहली बार आए हो और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जल्दी हम आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी बागवानी को देखभाल करते रहिए।